मनोज, आप देख रहे हैं MK24 ब्लॉग। तो आज की हमारी ब्लॉग की शुरुआत हमारे 1943 वाले स्मारक से हो रही है, क्योंकि बिकॉज हम लोग घर पर थे तो कुछ किया जाए करके हम लोग सोच रहे थे, तो इसलिए अभी घर से हम लोग निकल चुके हैं। आज की दिन की शुरुआत यहाँ से आपके लिए, और अभी हम जाएंगे मरीना पार्क भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग मरीना पार्क का जो अच्छा अच्छा लोकेशन है वो अच्छा से हम लोग दिखा नहीं पाए हैं अभी तक। एंड हमारे साथ हमारा भाई है प्रसन्नजीत, और आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का सीन है। गाइस, आप लोग देख रहे हैं 1943 का जो लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर क्यों लगाया गया है बोलने से, जब 1943 को ही यहाँ पहली बार झंडा फहराया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था यहाँ पर 30 दिसंबर 1943 को। तो प्रसन्नजीत भाई हमारे साथ है। प्रसन्नजीत हाय बोल दो भाई। हाय, आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक ही होंगे? हाँ, अभी बोलना सीख गया गाइस, अभी अच्छा से बोलता है। फर्स्ट में तो आप लोग को भाई बोल रहा था। जा रहे हैं बिकॉज बहुत हवा चल रहा है, और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को तो मैं दिखाया था कि यहाँ पर बिल्कुल भी पानी पूरा भरा हुआ था, अभी देख लीजिए बिल्कुल पानी नहीं है, सारा पानी अभी समुंदर के बीच में चला गया है गाइस, तो अभी किनारे पर तो नहीं है। अगर आप रात को आएंगे शाम को आएंगे तो किनारे पर पानी रहता है, पूरा भर जाता है वो टैंक तो, बट अभी हम लोग जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे एक तोप है जिससे हम रोज आइलैंड को तबाह करने वाले हैं। तो चलिए, मेरे को गुस्सा आ गया है, अभी मैं रोज आइलैंड को तबाह करने जा रहा हूँ। तोप उधर खड़ा है, अभी उधर एरोप्लेन लेने के लिए आओ जल्दी। बिकॉज प्रसन्नजीत को बहुत ही शर्म आता है, पब्लिक है, पब्लिक तो देखेगा ना, पब्लिक को गोली मारो नहीं तो तोप मारो। तो यही कुछ सीन है गाइस, आप लोग देखिए कहाँ ड्यूटी में। अबे हंसता है लड़की लोग, भाई लड़की लोग बहुत हंसता है यहाँ पर, पता है इतना हंसता है कि हंसते रहता है बस। गाइस देखिए कटलरी भाग भाग के जा रहा है कहाँ। फाइनली अभी आइसक्रीम खाने का प्लान बन चुका है, हम तो यही खाएगा टोंगा वाला पसंद है भैया। कितना है इसका? तो गाइस फाइनली गाइस हम लोग आइसक्रीम ले लिए है, अभी ये हम लोग का मनोज भाई बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं और जिम का आनंद ले रहे हैं। आप देख ही चुके हैं गाइस, ये आइसक्रीम अभी तक भी खत्म नहीं कर पाए। आइसक्रीम नहीं है, गांजा देसी वाला गांजा पी रहे हैं हम लोग का मनोज भाई। आप देख ही चुके हैं, ये मस्त मदन में खा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का आगे है तो गांजा पी के नशा हो गया, हम चली हो गया। ओह माय गॉड, इट गाइस मनोज भाई हम लोग का भी एक फ्लिप मारेगा, आप देख गाइस इसको अगर हम लोग लगाएंगे तोप में तो रोज अलग लगाएंगे, हम लोग को बड़ा वाला बम है इसमें पूरा अंडमान निकोबार उड़ जाएगा, कोई अंश नहीं बचेगा अंडमान निकोबार का, खाली धुआं दिखेगा। इसको रेस्टोरेंट को भी ले लेता हूँ। अभी हम मरीना पार्क के अंदर हैं, आप देख लीजिए कैसा यहाँ का सीन है, उधर का तो मैं आपको म्यूजिक के साथ दिखाऊंगा, एंड वहाँ पर बहुत कुछ
अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, बहुत लोग थे तो लोगों के सामने और दूसरी बार बनाएंगे। अभी आप लोग देखिए यहाँ साइड पर बना रहे हैं एंड उधर भी आप लोग को दिखाएंगे कि रोज आइलैंड कहाँ से जाते हैं और रोज आइलैंड का कितना टिकट है, वो सब कुछ आपको उधर बताऊँगा मैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट लोकेशन में चलते हैं एंड प्रसन्नजीत भाई भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसका भी बात सुन लीजिए। गाइस अभी हम लोग वो साइड जा रहे हैं, वो साइड से आप लोग को मतलब दिखाएंगे कि कैसा क्या है एंड रोज़ाइलैंड का कितना लगता है और कितना बोट वोट सब जाता है, वो सब दिखाएंगे आप लोग को। तो व्लॉग में बने रहिए, चलिए दिखाते हैं। तो हाँ, सामने से कुछ इस तरह का दिखता है। तो अभी ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं रोज़ाइलैंड घूमने, और रोज़ाइलैंड का कुछ चार्ज है वो तो अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि तो अभी उधर नहीं गया हूँ एंड मौसम भी बहुत अभी ख़राब हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं मौसम ख़राब है। जी मैं देखा तो गाइस हमारा व्लॉग तो यहीं पर आज ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज हम तो गाइस जो भी आज का व्लॉग था वैसे हम लोग थोड़ा कॉमेडी के साथ व्लॉगिंग को करना चाहते थे, इसीलिए आज हम लोग घर से निकले थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले नेक्स्ट और मजेदार वाले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय बाय। मैंने बोला था मिसाइल से उड़ा दूंगा, मिसाइल इधर है उड़ा देंगे डायरेक्ट, ठीक है।